हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तमन्ना अली और आज आपके लिए लेकर आई हूं लच्छा पकौड़ी, जिसे मुंबई में भजिया भी बोलते हैं। तो आप पीना चाहे तो भजिया बोल लो या फिर लच्छा पकौड़ी बोल दो। अगर आप चैनल पर आए हो न्यू, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लच्छा पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन आलू लिए थे और उनको मैंने कद्दूकस कर दिया था। और मतलब तीन आलू, आप सोच रहे होंगे तीन आलू तो बहुत ज़्यादा होंगे, पर नहीं, जब आप मेरे कद्दूकस करोगे, इनका पानी निकालोगे तो ये बहुत कम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर दिया है, ऐसे आप देख ही रहे हो। और बस इसको इसमें ऐड कर दो, मतलब पानी ना जितना सके उतना आप निचोड़ निचोड़ के निकाल दो। फिर इसमें ऐड कर दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली स्किप इट। एंड उसके बाद कसूरी मिर्च को क्रश करके बिल्कुल इसकी जान प्राण निकाल के इसको इसके अंदर डाल दो, बहुत अच्छी लगेगी। कसूरी मिर्च ज़रूर ऐड करना। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सूखा हुआ पुदीना, मतलब मैं सुखा लेती हूँ फिर ऐड करती हूँ, मतलब मोस्टली हर टाइम घर पे नहीं रहता है, फ्रेश भी नहीं था इसलिए मैं सुखा के रखती हूँ। मैं उसको फिर सुखा लेती हूँ और फिर धो के फिर ऐड करती हूँ। उसके बाद इसमें डाला हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे फ्लेवर और कलर बहुत ही प्यारा आएगा। हमने इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड किए, तो फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले। और फिर हमने इसके अंदर डाल दिया काला नमक, जीरा और ये चाट मसाला घर का, इतना सही इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है यार, आप ज़रूर इसको ट्राई करो। इसकी रेसिपी जो है ना होममेड चाट मसाले की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लो। वैसे अगर पास आप बनाना नहीं चाहते हो और फिर आप मार्केट वाला भी नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब जाएगा इसमें 6 टेबल स्पून बेसन। आप बेसन ना मतलब जब ऐड करो थोड़ा कम ही ऐड करना, ज़्यादा अगर आप डाल दोगे फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा आएगा बेसन बेसन का सा। तो आप देख रहे हैं हमारा जो है आलू बनकर रेडी है लच्छा पकौड़ी के। आप देख रहे हो हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, फिर भी अच्छे तरीके से मिक्स हुआ और अच्छे से इसमें मतलब पानी है अभी थोड़ा बहुत, कि नमक पानी रिलीज़ करता है और आलू प्याज भी। फिर आपने ऐसे भजिया इसको पक लेनी है, भजिया से आप बस तेल में इसको डीप फ्राई कर देना। यहाँ पर आप फ्लेम रखिएगा मीडियम टू लो, क्योंकि हमें इसको अंदर से पकाना है, आलू कच्चे हैं तो कच्चे ना रहें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पकाओगे फिर अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे और हमारी जो है लच्छा पकौड़ी अच्छी नहीं बनेंगी। आप तेल बहुत अच्छा गर्म रखिएगा और जब आप डालें तो फिर आप फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिएगा और इनको डीप फ्राई कीजिए। जब इन पर आ जाए प्यारा सा कलर गोल्डन ब्राउन, तो आप इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए और चाय के साथ, चटनी के साथ इंजॉय करिए। और इतनी ज़्यादा डिलीशियस लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और जब आप ट्राई करें तो आप मुझे सारे फ़ोटो भेज सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का। और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज लाते हैं, सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कहाँ चले, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो इन वीडियो पर क्लिक करो और जाके देखो और इन्जॉय करो।